नमस्ते, कैसे बिल्कुल अच्छा है सर। सर आपके आप धन्यवाद है हैं? सर। सर बहुत खुशी हुई कि आप लोग आज शुभ मुहूर्त में बढ़िया काम कर रहे हैं। सर अभी जान करके अधिक प्रसन्नता हुई है। आपने बात हुई थी, मैंने कहा सर ठीक है भाई, इसको करिए। देखिए, बी आरम साहब भी आपके हैं। हाँ सर 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 दयानंद साहब कनेक्ट हो गए हैं सर। हाँ नमस्कार। हाँ देखिए, उस समय कोविड में ही गए थे ना आप लोग? भाई कोविड में राम जी यात्रा में गए थे और कोविड का शुरुआत हो गया था उस समय बिहार, भारत में। बिहार में कम था क्या? शुरुआत हो जाए कार्यक्रम का। बिल्कुल सर, शुरू करते हैं सर। हाँ सर हमारे साथ में जो है सर अभी जुड़े हुए हैं सर, बक्सर स्टेशन से भी लोग जुड़े हुए हैं जो अच्छा, एनएलएस हैं जिन कौन लोगों कौन ने। जुड़ा हुआ है? सर अभी सर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है सर, इसमें अभी हाँ लिमिटेड लोगों को रखा गया है सर। इसमें जो है बक्सर स्टेशन पे लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं, जो वेंडर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और एक दो सर पीटीआई के लोग जुड़े हुए हैं सर। बाकी जो है सर हमारा प्रोग्राम जो है सर ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है सर यूट्यूब चैनल पे जो है सर नहीं, इसी। अब नहीं कितने स्टेशन पर अभी आज जुड़े हुए हैं? पटना भी है? पटना स्टेशन पटना जंक्शन को नहीं जोड़े हैं सर, हम लोग बक्सर का ही हम लोग प्रॉपर इनॉग्रेशन करवा रहे हैं सर आज जो है सर। अच्छा। और हाँ सर, और हमारा प्रोग्राम जो है सर लाइव अभी चल रहा है सर यूट्यूब चैनल पे, जो सारे जगह पे ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है और लोग उस लिंक से देख भी रहे हैं सर। इसी नेटवर्क का जो हमारा यूट्यूब चैनल है सर उस पे प्रोग्राम चल रहा है सर। सर तो हम लोग सर फॉर्मली शुरू करते हैं सर। हाँ सर सबसे सर्वप्रथम जो है मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आदरणीय और बहुत ही लोकप्रिय माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का आज के इस वीडियो लिंक पे, जहां पे हम लोग आज बक्सर स्टेशन पे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इसके द्वारा जो है कोविड से रिलेटेड सेफ्टी के लिए पैसेंजर्स के लिए जो है मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, इस तरह की चीजों का आसानी से कॉन्टैक्टलेस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू, कैश पेमेंट के थ्रू जो है लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और धन्यवाद। सर्वप्रथम जो है सर मैं डीआरएम साहब से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द बोल करके हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें और आज के कार्यक्रम के बारे में एक रूपरेखा भी जो है सर। नमस्कार सर, मैं नमस्कार, सुनील कुमार, डीआरएम दानापुर। पुनः आपका सर बक्सर से जुड़े रहने का स्वागत करता हूं सर। बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, वीडियो लिंक से जुड़े सभी सम्मानित लोगों का आज आज के उद्घाटन समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सर, बक्सर स्टेशन जैसा पता है दानापुर मंडल का मेन लाइन सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो यात्रियों के आवागमन में अहम भूमिका निभाता है। इस स्टेशन से सर यात्रियों की जितनी बेहतर सुविधा हो सके दानापुर मंडल इसको देने में हमेशा प्रयासरत है। और विगत कुछ दिनों में जैसा आपने भी देखा, बस्तर स्टेशन में कई महत्वपूर्ण और गुणवत्ता पूर्वक कार्य यात्री सुविधा के लिए किए गए। वेटिंग रूम, पीआरएस, बुकिंग काउंटर्स, प्लेटफॉर्म्स, जो जिस तरह से जो यात्रियों को हमें जो यात्रियों को सुविधा देने में जो सहायक होते हैं, जो चीज जिनमें परेशानी होती है यात्रियों को, उनको बेहतर सुविधा मिल सके यात्रियों को, इसका प्रयास मंडल हमेशा करता रहा है सर, और आगे भी प्रयासरत रहेगा। आपके दिशा निर्देशानुसार जो भी काम बक्सर स्टेशन या उसके आसपास जो भी हमारे प्रमुख स्थान है उस पर निरंतर सर मंडल दानापुर मंडल हमेशा प्रयासरत रहेगा सर, और आपकी दिशा निर्देश की हमेशा अपेक्षा रहेगी। सर, आज इस वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश प्रभावित है, रेल परिचालन की भी को भी सीमित कर दिया गया है सर। स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो आपके अधीन है सर, एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिए दिशा निर्देशों के हिसाब से रेल परिचालन भी उसी अनुरूप में कार्यवाहित हो रही है सर। समुचित ध्यान रखा जा रहा है सर, सोशल डिस्टेंसिंग,
फेस मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, एक दूसरे में दूरी बना कर रखना, जहां जहां तक जरूरी ना हो आपस में मिलना जुलना कम करें, अगर जहां निहायत जरूरी ना हो आवश्यक अनावश्यक यात्रा ना करें। इस तरह से जो दिशा निर्देश आपके मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया है उसको भी रेल मंत्रालय, रेल मंडल दानापुर मंडल हमेशा इसको लागू करने में हमेशा प्रयासरत है सर। और ताकि हमारे जो यात्री जो जो ट्रेवल कर रहे हैं हमारे ट्रेनों में वो एक अच्छी तरह से चलें, जहाँ पे उनको कोई इस तरह को बाधा ना हो, कोई इस तरह का व्यवधान ना हो, कोई उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इस तरह के बीमारी से ग्रसित ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है सर। हमारे इसमें जितने भी जुड़े रेल कर्मी हैं, उनके परिवार लोग हैं और जो भी हमारे जो सहायक हैं, उनको समय समय पर इस तरह की दिशा निर्देश दे करके उनको बताया जा रहा है सर। अभी आज जो बक्सर स्टेशन में हम कोविड से रिलेटेड जो चीज आज जो जरूरत है सर, खास करके जो एक यात्री आम यात्री जब वो ट्रेवल करता है तो उसको एक जरूरत पड़ती है मास्क की, सैनिटाइजर की, हैंड ग्लव्स की, जो एक आज के दिन में कोविड महामारी वैश्विक महामारी में एक नितांत ही जरूरी सामग्री हो गई है। इसकी पूर्ति कॉन्टेक्ट लेस द्वारा, मतलब कहीं बिना छुए हुए इस चीज के सप्लाई अगर मिल जाए, आपूर्ति मिल जाए, तो यात्रियों को एक सुविधा मिलेगी ताकि वो अपने यात्रा के दौरान में कोरोना के इस बीमारी से वो बच सके सर। इसी कड़ी में सर आज बक्सर में हम एक वेंडिंग मशीन का उद्घाटन सर आपके द्वारा करना चाहेंगे, जिससे कि यात्री इसका लाभ ले सकें और जब जो यात्रा करेंगे तो इसमें निश्चित रूप से इस महामारी से बचा जा सके सर। मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड रिलेटेड एवीएम का वीडियो लिंक द्वारा बक्सर स्टेशन पर अनावरण कर, उद्घाटन कर और हमें आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद सर। बक्सर स्टेशन जी में मीना पटना आरा और भी अन्य जगह 10 जगह पे ट्रिपल मिस आधार बक्सर पे लो। हुई। सर मैं एक बार सर मैं ब्रीफ कर देता हूँ सर, जो आप जानना चाह रहे थे। यहाँ पर जो है सर, हम लोग पटना सिटी में सर एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन सर लगाए हैं। वहां पे पटना जंक्शन पे सर हम लोग 4 वेंडिंग मशीन लगाए हैं सर, जिसमें से कि जो है इंडियन रेलवेज में पहला वेंडिंग मशीन पटना जंक्शन पे हम लोगों ने लगभग 20 दिन पहले लगाया था सर, कोविड के बिल्कुल पीक आवर्स में। एंड पैसेंजर्स का जो डिमांड था और आपका जो डायरेक्शन था कि जो है बाकी स्टेशन पे भी सर हम लोग को लगाना चाहिए, तो पटना जंक्शन चूंकि काफी बड़ा है और काफी लोग वहां आ रहे हैं, उसको देखते हुए 3 और पटना में लगाया गया है सर। इसके अलावा जो है सर हम लोगों ने राजेंद्र नगर में भी दिया है 2, एक पाटलिपुत्रा में दिया है, एक दानापुर में दिया है, एक आरा में भी दिया है सर, और एक बक्सर में जो है सर, चूंकि बक्सर सर हमारा खुद का क्षेत्र पड़ता है आपका सर जो है, तो उसको हम लोगों ने बोला कि वहां पर बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वहां के लोग ये ना सोचे कि आपके वहां रहते हुए भी जो है वहां पर जो है वेंडिंग मशीन नहीं लगा। हालांकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत ज्यादा बक्सर को ध्यान नहीं देते हैं, बट हमारे हमारा फर्ज बनता है कि बक्सर को भी जो है हम लोग पटना जंक्शन के बराबर जो है इम्पोर्टेंस देते, बक्सर पे भी हम लोगों ने लगवाया है सर वहां पर। इसके अलावा जो है सर 4 हम लोगों ने सर कियोस्क लगाया है स्टॉल की तरह, जिसमें कि डिस्पोजेबल लिनन जो है सर, बेडशीट जो है डिस्पोजेबल मिल जाता है, और उसमें जो है आप डिस्पोजेबल ब्लैंकेट भी ले सकते हैं, कंबल जो है, और ये 50 रुपए का छोटा सा पैकेट है सर, जिसमें कि जो है मास्क भी मिल जाएगा आपको, सैनिटाइजर भी है और एक बेडशीट भी मिल जाता है। जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, स्लीपर में भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो ले सकते हैं, और यूज करने के बाद जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो उसको ये लोग जो है किसी डस्टबिन में प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं। एक 200 रुपए का भी पैकेट रखा गया है, जिसमें कि बेडशीट, मास्क और सैनिटाइजर के अलावा एक डिस्पोजेबल ब्लैंकेट भी है सर, और एक इन्फ्लेटेबल पिलो है सर, उसको फुला करके आप यूज कर लीजिए, मतलब सारे सामग्री आपको मिलेगी 200 रुपए में, और उसको आप जर्नी में अपना यूज करें या फिर बाद में डिस्पोज ऑफ करें। तो टोटल 4 ऐसे सर कियोस्क हम लोगों ने दिए हैं सर, पटना जंक्शन पे किया है, फिर हम लोगों ने इसको एक दानापुर। एक तो रेट क्या है उसका? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आपकी? रेट सर ऐसे का क्या रेट है बता दीजिए। सर 50 रुपये का है सर, सबसे छोटा पैकेट जो है सर
50 रुपए का है, जिसमें कि एक बेडशीट है सर, और उसके साथ में एक डिस्पोजेबल मास्क उसी में कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक सैनिटाइजर का सैशे भी उसमें है सर। तीनों चीज मिलाकर के 50 रुपए का मात्र है सर, छोटा पैकेट है सर। और सबसे महंगा वाला जो पैकेट है सर वो 200 रुपए का है, इसमें कि एक इन तीनों के अलावा एक ब्लैंकेट भी है सर डिस्पोजेबल, और एक पिलो भी है इन्फ्लेटेबल जो है सर। तो हो सकता है अलावा क्या है? पिलो है सर, फुलाने वाला पिलो होता है, फूक करके जो फुला लेते हैं सर, क्योंकि ऐसे तो बड़ा हो जाएगा पिलो सर, कैरी करना मुश्किल है पैसेंजर के लिए, तो यूज हाँ करने के बाद लोग उसको फेंक सकते हैं अपना जो है, बहुत महंगा नहीं है। ये हम लोगों ने किया है सर, और ये सोच के किया है कि हो सकता है कि कल के डेट में पता नहीं कितने दिन तक महामारी चले, तो लोग जो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं उनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो, क्योंकि महामारी फैले नहीं, इसलिए हम लोगों ने रेगुलर जो बेडशीट थे, पिलोज थे और जो ब्लैंकेट थे, वो तो हम लोगों ने देना बंद कर रखा है सर, एज ए पॉलिसी जैसा आपका डायरेक्टिव आया था। लेकिन ये डिस्पोजेबल वाला सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया था, जैसा आपने एक बार सुझाव दिया था, हम लोगों ने दानापुर मंडल से पहल किया है, और बहुत सारे मंडलों ने इसको कॉपी करने की कोशिश भी की है, बहुत जगह शुरू भी हो रहा है सर इसी को देख करके, और यहाँ जो पब्लिक का डिमांड था उसको देखते हुए 4 जगह पे और हम लोगों ने दिया है सर। और जो बक्सर में वेंडिंग मशीन लगाया गया है सर, इसमें भी जो है डिस्पोजेबल बेडशीट वगैरह जो है हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां पर भी जो लोग लेना चाहते हैं वहां से मिल जाए, किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं होते मिलने से। तो अभी सर जो है हमारे सर लोग बक्सर स्टेशन पे खड़े हैं सर, तो बक्सर स्टेशन पे जो है सर आप एक बार आदेश करेंगे सर, बक्सर स्टेशन पे जो हमारे अधिकारी हैं वो हाँ आपके बिहाफ पे जो है सर वहां पे एक रिबन काट करके फॉर्मली इसको आज जो है यात्री सुविधा को हमारे राष्ट्र को समर्पित करेंगे सर। तो काइंडली सर आप एक बार आदेश दें सर जो है सर। सर, रेलवे स्टेशन पर जो आज के ऑटोमेटिक मास्क सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन उसके शुभारंभ के लिए मैं वहां के जो प्रबंधक है, स्टेशन मैनेजर, मैं उनको निर्देशित करता हूं कि वो उसका विधिवत शुरुआत करें बक्सर के पुण्य भूमि पर। ठीक है बिना तो भी हो ना तो शुरू करिए। बताओ 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 आवाज आ रही है? शुरुआत हो गई वहां पर। जी सर आपकी आवाज आ रही है सर, और हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं बक्सर स्टेशन पे जो है सर रिबन काट करके, और अभी इन्होंने जो है पेटीएम के थ्रू जो है 50 रुपये में जो है एक वहां पे सैनिटाइजर की बोतल जो है वहां पे परचेस की इन लोगों ने, उसमें से जो है सर जो भी वहां अच्छा पे वेंडिंग मशीन से निकाला है उसको कैमरे के नजदीक ले आया, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है आपको, तो वो सैनिटाइजर की बोतल जो आपने अभी परचेस की उसमें से कैमरे के नजदीक ला के जरा एक बार दिखाएंगे सर को जो है। हाँ इसको जरा मेन स्क्रीन पर लाएं, बक्सर स्टेशन पर। सर अच्छा तो मेन पर लाइए, तभी सेंटर में ले आइए। हाँ नहीं आया। और इसमें सर भुगतान के कई विकल्प हैं और डिजिटल मोड पे सारा भुगतान है, ई पेमेंट पे है सर, जी पे से है, पेटीएम से है, कैश का भी विकल्प है सर यहाँ पे। हाँ और ये दानापुर मंडल है सर, ये भारतीय रेल में पहली शुरुआत की है और अन्य मंडल भी इसको देख करके अनुसरण कर रहे हैं। और चूंकि ये सर ये कॉन्टेक्टलेस है तो इसमें वो भय भी नहीं है कि मैं अगर किसी चीज को छूंगा तो वो संभावना बनी बन सकती है कि ऐसा संक्रमित होने का, तो ये संभावना भी दूर हो जाती है सर। मुझे बहुत खुशी हुई, क्या देख करके बड़ा आनंद हो रहा है कि आपने इतना बड़ा काम किया है।
चलो भाई बक्सर के लोग को थोड़ा सा फैलाइए, सेंटर में ले आओ, थोड़ा दिखाई पड़े तो थोड़ा सा। बक्सर के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे भाई। आधार जी थोड़ा उसको सेंटर में लाइए, थोड़ा उसको सर, ये एवीएम ईसीआर बक्सर में उसके उसके सामने सामने से कुछ हटाइए, सामने से हटाइए लोगों को, जो दिख नहीं रहा है उसके, वो कहने नहीं, वो कैमरा के सामने किसी को दिख रहा है, एवीएम ईसीआर बक्सर वाला जो है, बीएक्सआर वाले का भी उसको हटा दीजिए। से जुड़े ठीक है, बोलिए उसको बक्सर से जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से, क्या वो भेज सकते हैं? बोलो भाई क्या है? ये कहाँ लगाया है, स्टेशन के किस हिस्से पे लगाया है इसको? बक्सर में आवाज आ रही है हमारी? सर पूछ रहा है कि स्टेशन के किस हिस्से में लगा हुआ है, लेकर के बोल क्या आवाज नहीं है? आवाज कुछ की दिक्कत है। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, अनम्यूट हो गया। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सर ये स्टेशन का जो सर वेटिंग एरिया के बाहर का जो लिखा है सर, वहीं पर लगाया गया है सर, क्योंकि स्टेशन से घुसते समय जो है पैसेंजर जो है अगर अपना मास्क भूल गया है, क्योंकि के हिसाब से जो है कि पैसेंजर जो है वो मास्क पहन करके ही स्टेशन के बारे में आएंगे जर्नी के लिए जो है, तो ये उनके लिए सहूलियत है कि स्टेशन में घुसने के पहले जो है ये लोग जो है सर अपना वहां पे मास्क खरीद सकते हैं, सैनिटाइजर खरीद सकते हैं, इसलिए सर्कुलेटिंग एरिया में जो पोर्टिको हम लोग का है बाहर वाला जो है सर, वही पोर्टिको में ही दिया गया है सर, ताकि घुसने के पहले अच्छा भाई, परचेस कर सकें सर। जो अभी बोल रहा हूँ या आप जो बोल रहे हैं वो सर मेरे को सुनाई पड़ रही है ना? जी हाँ सर, उसको सुनाई पड़ रही है सर, और उसके अलावा मैक्सिमम लोग सर यूट्यूब है सर अभी। बहुत अच्छा सर, तो आप आशीर्वाद में सर के जनता को, बाकी बिहार के सभी लोगों को सुनने का एड्रेस करते सर। अब मुझे आदेश कर रहे हैं, मैं अपनी बात को शुभारंभ तो हो गया, बहुत अच्छे मुहूर्त पे हुआ है, और आपने अयोध्या का 5 तारीख को, 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर। मुझे खुशी है कि आज इस वैश्विक कोविड के कालखंड में, और मुझे रेल के अपने मंडल के वरिष्ठ वहां के जो रेलवे मंडल प्रबंधक है, अपने इस मंडल के श्री सुनील कुमार जी और हमारे जो वरिष्ठ जो वहां के डीआरएम है, मंडल के वाणिज्य पदाधिकारी मुख्य रूप से, तो आज ये दोनों आदमी जुड़े हुए हैं, मुझे खुशी हो रही है। साथ में मैं आयुष अग्रवाल जी को भी देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और हमारे बक्सर के स्टेशन पर मौजूद जो बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ, थोड़ा वहाँ के स्टेशन के प्रबंधक भी हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कुछ राजनीतिक और पत्रकार मित्र भी वहाँ पहुंच चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कोविड
कोविड के कालखंड में अनुशासन पूर्वक सब लोग मास्क पहन करके और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं वहां पर। तो मैं पूरी तरह से आज के इस अवसर पर जो बक्सर रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक मास्क सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन का जो शुभारंभ हुआ है उसके लिए मैं रेल के इस मंडल को बधाई देना चाहता हूँ और रेल मंडल के जो हमारे प्रबंधक हैं DRM सुनील कुमार जी को विशेष बधाई दे रहा हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए मैं सीनियर DCM जिन्होंने मुझे कल आमंत्रित भी किया, कई दिनों से ये आमंत्रित करने के लिए छटपटाहट इनमें बहुत दिनों से था, हमें खबर आ रही थी लेकिन व्यस्तता के कारण हम बात नहीं कर पा रहे थे और वो आप लगे रहे कि नहीं किसी हालत में आपको इसमें सम्मिलित होना है। तो निश्चित रूप में मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, हमें आमंत्रित किया। इसके लिए मैं मंडल दानापुर मंडल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे खुशी है कि दानापुर मंडल ने आज अग्रणी भूमिका अदा किया है। आपने जहाँ पटना सिटी, पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर या इस प्रकार के आरा, बक्सर, इन सब लोगों को आपने आज जोड़ा है तो निश्चित रूप में ये रेल के लिए भी और विशेष करके इस मंडल के लिए और दूसरे मंडल के लोगों को भी जरूर इससे प्रेरणा मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और DRM स्वयं आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मुझे खुशी है कि बहुत दिनों के बाद जब बक्सर में ऐसे राम भक्त आए थे, पहली ट्रेन आई थी और वो भी रेल मंत्रालय के द्वारा ही उसका शुभारंभ हुआ था, रेल के द्वारा ही और उसका श्रीगणेश हुआ था और मैं वहां भी गया था, दक्षिण भारत में भी और मदुराई से प्रारंभ करके यात्रा और फिर मैं अपने क्षेत्र बक्सर में वहां ऐसे सैकड़ों यात्रियों को जो बक्सर के तीर्थ यात्रा में आए थे और उस तीर्थ यात्रा में आपने उसकी अगुवाई हमारे साथ किया था, आप लोग दोनों ही और भी अन्य पदाधिकारी भी विराजमान थे और हम लोग जिस प्रकार से वहां पहुंचे और जो स्वागत तीर्थयात्रियों का किया गया उसमें आप सब शरीक रहे और बक्सर के इतिहास को भी जानने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जहां भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है, आप सभी जानते हैं 5 अगस्त को उसका शुभारंभ हो रहा है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पूरे देश की जनता ने और विदेशों में भी रह रहे भारतीय मूल के लोगों में काफी उत्सुकता रही और अब वह दिन निकट आ गया जब 5 अगस्त को हमारे महानायक देश के भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसका विधिवत अपने संत जनों के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के और उस अयोध्या के अंदर बनने वाले भव्य राम मंदिर जिसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते उस राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, वहां के ट्रस्ट के माध्यम से साधु संत समाज के लोग वहां आएंगे और पूरे देश और दुनिया में जो हमारी अभिलाषा है वो पूरी होगी। उसमें बक्सर का बड़ा स्थान आता है, वहां हमें आमंत्रण आया है वहां के ट्रस्ट की ओर से कि बिना बक्सर का अयोध्या का राम तो फीका हो जाए। अयोध्या में भगवान राम का जन्म जरूर हुआ लेकिन अगर वो गुरु वशिष्ठ के द्वारा विश्वामित्र जी को अगर यह निर्देश नहीं होता, विश्वामित्र वहां नहीं पधारते
और भगवान राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ अगर इजाजत नहीं देते और विश्वामित्र उन दोनों भगवान को ला करके ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वहां मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का काम अगर कहीं हुआ, वो धरती बक्सर की धरती, प्राचीन धरती, अनादि काल से हजारों सालों से जब से सृष्टि का शुभारंभ हुआ सतयुग काल से ही भगवान राम तो त्रेता में आए बक्सर में, लेकिन सतयुग में भी बक्सर का नाम उस समय भी प्राचीन शास्त्रों में जब आप जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सिद्धार्थम की भूमि, सिद्धार्थ की भूमि, सिद्धाश्रम की भूमि। बक्सर को हमारे पुराणों में जो वर्णन है सिद्धाश्रम की भूमि कही जाती है। तो आपने आज मुझे अपने उस सिद्धाश्रम के कर्म में क्षेत्र सिद्धाश्रम का दर्शन कराया, इसके लिए कितना पुण्य रेल को हुआ होगा और आप दोनों पदाधिकारियों को कि आपने मुझे अपने घर का, अपने कर्म भूमि का दर्शन कराया, उस सिद्धाश्रम क्षेत्र का दर्शन कराया। तो निश्चित रूप से जहां मैंने पहले कहा कि 5 तारीख को राम मंदिर का शुरुआत हो रहा है और सिद्धाश्रम की भूमि विश्वामित्र की तपोभूमि जहां भगवान राम स्वयं उस जमाने में चल के आए और उन्होंने वहां ताड़कासुर का वध किया, पहली बार वो कर्मवीर के रूप में उनकी पराक्रम जो है बाल्यकाल में जब भगवान राम थे तो उस समय पूरे जगत को यह जानकारी हुई कि राम ब्रह्मा के रूप में धरती पर पैदा हो गए, राजा दशरथ के पुत्र ऐसे ब्रह्म को जानने वाले भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका बक्सर से तादात्म्य संबंध रहा, वहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ रह करके उनके सानिध्य में और वहां शिक्षा ग्रहण किया और वहां से उनको यह भी प्रशिक्षण दिया गया, धनुष बाण का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। तो दुनिया में जहां भी धनुष बाण का प्रशिक्षण पहला हुआ है उसका नाम बक्सर है। पहला धनुष का प्रशिक्षण ब्रह्मा को के रूप में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देते हैं और पहला रामेश्वरनाथ मंदिर, दूसरा दक्षिण में मैंने पहले भी कहा था पहला रामेश्वरनाथ मंदिर जो बक्सर में भगवान राम के हाथों राम रेखा घाट गंगा के किनारे और उसको स्थापित किया गया, वहां पर स्वयं भगवान राम ने पूजा करके और स्वयं संकल्प लिया और फिर संकल्प से सिद्धि की ओर हो गए, आप सभी जानते हैं। इसलिए मैंने आज इस कालखंड में जब आपने मुझे अपने कर्मभूमि का दर्शन करा रहे हैं, वहां के स्टेशन का दर्शन करा रहे हैं, तो मैं गौरवान्वित हूं। मैं सचमुच में मेरे मन के अंदर वही भाव आ रहा है जो हुआ कभी भगवान राम को उस धरती पर आने के बाद हुआ होगा, और जब मैं कर्मभूमि पर पहली बार जब मैं वहां सांसद के रूप में चुनाव लड़ने गया था तो वही भाव मेरे मन में आया था, कभी जेल में आपातकाल के दिनों में मैं बक्सर में महीनों गुजर किया था और मेरी उस समय अस्पताल के अंदर जेल के अस्पताल में बहुत हालात बिगड़ गई थी, ऑपरेशन हो गए थे और उस समय बक्सर के वहां के जेलर सुप्रिंटेंडेंट, वहां के जो डॉक्टर थे सिविल सर्जन, उस समय इमरजेंसी के कालखंड में जो मुझे पेशाब में काफी रक्त आना शुरू हो गया क्योंकि जेल में पहले भी काफी यातनाएं दी गई थी और उसके हम शिकार थे, मेरे किडनी फोड़ दिए गए थे, फुलवारी शरीफ जेल 2 जुलाई 1974 का वो कांड विश्वविख्यात कांड था जिसमें जेपी भी रो पड़े थे, और मैं बाद के दिनों में बक्सर में इमरजेंसी में था और मेरी बीमारी अचानक बढ़ गई और मैं किस प्रकार से पटना पीएमसीएच पहुंचा था मुझे वह दिन याद आ रहे हैं जब आज मैं बक्सर का इस मशीन का जब एबीएम मशीन का जब शुभारंभ हुआ है और बक्सर के लोगों को देख रहा हूं, मैं अपनी भावना को नहीं रोक सकता।
इसलिए मैं पुरानी बातों को आपके सामने फिर दोहरा रहा हूं कि आज शायद केदारनाथ की कृपा होगी कि मुझे बक्सर की जनता की सेवा करने को मिला। मैं तो वहां भी विलीन हो गया था 2013 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और उसमें केदारनाथ की यात्रा पर गया था सौ परिवार, आधे परिवार हम आ पाए। ये ठीक है कि मेरा 8 सदस्य परिवार का 16 लोग गए थे, 8 लोग वही रह गए, मुझे उसका गम आज भी है। और यह बात बराबर मुझे जब तक इस धरती पर रहूंगा मुझे सताता रहेगा, लेकिन प्रभु की क्या इच्छा है पता नहीं, उन्होंने मुझे क्यों बचाया, हमारे परिवार को बचाया है, कुछ ईश्वर की कृपा रही होगी। मुझे अक्सर की धरती पर सेवा करने को मिला, ये मैं सोच भी नहीं सकता था, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। मैं ये ठीक है कि हमारे कुलदेवी कुलदेवता बक्सर क्षेत्र में आज भी विराजमान है, गारा कुलदेवी, वहां हम सब लोग की कुलदेवी भी वहां विराजमान है। और मैं भागलपुर में जन्मा, भागलपुर में पढ़ा लिखा, बिहार के अंदर पटना में पढ़ा, पटना में सामाजिक छात्र राजनीति से लेकर के और आज राष्ट्रीय राजनीति के चिन्हित पर जहां भी छोटे स्थान पर पधारा हूं, ये सब अगर कहा जाए तो इसमें बक्सर के लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इसलिए जब भगवान राम को आपने आशीर्वाद दिया और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, इसलिए मैं बक्सर की जनता का कोटिशा बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सेवक का मान करके और हमारी सेवा जो आपके प्रति अहर्निश है, हम इस सेवा को कभी भुला नहीं सकते। आपके प्रति एक सेवक बन करके मैं इस वैश्विक काल महामारी में जहां अपने दफ्तर में रात के 2 बजे तक भी इस दफ्तर में कई दिन मुझे बिताना पड़ रहा है, लगातार स्वास्थ्य सेवा को पूरे देश के माहौल को प्रारंभ से ही प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कुछ किया है ये आप सबको मालूम है। लगातार मैं आज भी दफ्तर जब आता हूं तो शायद 11-12 बज जाते हैं दफ्तर में, और कई दिन तो 2-3 बजे रात तक भी इस दफ्तर में रहना पड़ रहा। मैं आज दफ्तर से बोल रहा हूं, हमारी बक्सर की जनता भी इस दफ्तर को देख रही होगी, मैं अपने कार्यालय से मंत्री कक्ष से बोल रहा हूं। ये गर्व, ये मेरा कक्ष नहीं है, मेरी कुर्सी नहीं, ये तो सब तदीयम वस्तु गोविंदम तुभम एवं समर्पित, ये जनता जनार्दन का है। इसलिए मैं बक्सर की जनता का आभारी हूं कि आपने मुझे सेवक बनाया है और मैं कर्तव्य निष्ठ होकर के सेवा में लगाऊ। ये ठीक है 5 महीने आपके दर्शन के हो गए, ये 6ठा महीना चल रहा है, मैं बहुत आतुर हूं कि किस प्रकार से मैं अपने प्रिय जनता का दर्शन करूं। इस कालखंड में भी मैं लगातार आपसे मिलते रहा, भले ही बक्सर जाके नहीं मिला, लेकिन वेबिनार से, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, टेलीफोन से, मोबाइल से, और लगातार मैं आप सबसे संपर्क में हूं। जहां तक कोविड के कालखंड में जो कुछ भी मुझसे बन सका, मैंने शासन प्रशासन सरकार केंद्र और राज्य सरकार और अपने स्तर से जो कुछ भी कोविड के कालखंड में वहां सुविधा देने का रहा है वो मैंने विभिन्न संगठनों से, विभिन्न संस्थाओं से आग्रह करके, उनसे हाथ जोड़ करके मैंने कोविड के लिए, चाहे वो वहां पर वेंटिलेटर की बात हो, वो भी मैंने अपने फंड से, अपने जो हमारे ऐसे संस्था, ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आग्रह करके मैंने उनके फंड से उसको दिलाने का काम भी किया। आइसोलेशन बेड्स बनवाया, सरकार के स्तर से तो जो हो रहा है वो हुआ ही, ये हमारे व्यक्तिगत स्तर से जो भी मैंने प्रारंभ से वहां SJVNL जो विद्युत का बहुत बड़ी मतलब मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से
उनके आशीर्वाद से मैंने वहां विद्युत का जो 10,000 बिजली वहां तैयार करने का वो संस्थान लग रहा है, 11,000 करोड़ का वो काम कर रही है और साथ ही एलएनटी जैसी संस्थाएं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे सब मैंने उनके सीएसआर फंड से मैंने कुछ चीजें क्या अपने तो मैंने चीज के सांसद निधि से पूरे संसदीय क्षेत्र, आप जानते हैं कि बक्सर के अलावा कैमूर और सासाराम रोहतास उसका भी क्षेत्र हमारे ही जिले के अंदर है, हमारे ही संसदीय क्षेत्र के अंदर है। तो इन सब विधानसभा में मैंने अपने निधि से भी 1 करोड़ रुपया शुरू में ही हमने लिख करके दिया था और अन्य संस्थाओं के द्वारा उनके सीएसआर फंड का मैंने काफी सदुपयोग किया है। जिस बक्सर में डिजिटल एक्सरे नहीं था वो मैंने हाल में डिजिटल एक्सरे भी लगवा दिया, जहां लोग चिल्लाते थे कि वहां पर किसी प्रकार के अस्पताल में मशीन की व्यवस्था फिलहाल नहीं है, मैंने वो सभी मशीनें धीरे धीरे उपलब्ध करा रहे हमने किया है, मैंने वो व्यवस्था किया है। और वहां आप देख रहे हैं कि अस्पताल के अंदर आज जैसे मैंने कहा कि डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था हुई, अल्ट्रासाउंड जो वहां पड़ा हुआ था अल्ट्रासाउंड मैंने वो भी संस्थान को दिलाया और अल्ट्रासाउंड वहां प्रारंभ हो गया है। अनेक प्रकार के संयंत्र भी वहां मैंने बक्सर सदर अस्पताल में सीएसआर फंड से भिक्षाटन करके और तो इस प्रकार के संयंत्र बक्सर अस्पताल को दिलाने का काम किया है। मुझे गर्व है कि एक सेवक होने के नाते इस काम को आगे भी करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है और आगे भी हम करते रहेंगे। आज जैसा कि मुझे खुशी हो रही है, आज बक्सर स्टेशन पर रेल मंडल दानापुर के सहयोग से उनके रेल मंत्रालय के निर्देश पर जो वैश्विक महामारी में जो काम रेलवे ने किया है वो ऐतिहासिक है। मैं रेल मंत्रालय को बार बार धन्यवाद देता हूं, इस वैश्विक महामारी के कालखंड में ये ठीक है कि यात्रा रेल की नहीं होती थी बीच में कालखंड में, लेकिन जितनी सामग्री मालगाड़ी के द्वारा जाता रहा वो रेलवे ने पहुंचाने का काम किया। विश्वसनीयता हवाई से भी गया और रेल के माध्यम से। इतना ही नहीं, जब लॉकडाउन के फेज को जब अनलॉक होने की तो प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के प्रयास से, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आपने देखा कि हजारों ट्रेन आपने आज रेल यात्रियों के लिए, विशेष करके शुरुआत में जो ऐसे मजदूर भाई थे उन श्रमिकों के लिए आपने लगभग 80 लाख से भी ज्यादा श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम ये रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ी के माध्यम से किया है। और सेवा आज हमें मिल रही है, हर दिन जो यात्रियों को कैसे सुरक्षित रख सके, रेल के डब्बों को सैनिटाइज करके और हर प्रकार से उचित व्यवस्था करके और यहां से पैसेंजर को भी जगह जगह से भेजने की जो सिलसिला जारी है, हजारों लाखों पैसेंजर सुरक्षित होकर के आज रेल के माध्यम से जा रहे हैं और जगह जगह रेल के पदाधिकारी उसका ध्यान भी रखते हैं, खाना भी उनको मिलता है और हर प्रकार से संयमित और सुरक्षित होकर के वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं।
इसमें रेल बहुत बड़ी है। आज के इस जो विरुद्ध जो जंग लड़ रहे हैं, इस भारतीय रेल का बहुत बड़ा दिन रात रेलवे के सभी स्तर के कर्मचारी पदाधिकारी आम लोगों की जन की सेवा में जुटे हुए हैं। इसके लिए आप सभी साधुवाद और बधाई देता हूं। जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, आपने सचमुच में इस मानव सेवा को, इस इंसानियत की सेवा को रेल ने भी बढ़ाने का काम किया है। आपने चिंता किया है कि हमारे लोग जो स्टेशन पर उतरेंगे वो असुरक्षित न हो जाए, अगर कोई किसी कारण से उनके बीमारी के उनको अपने बीमारी का पता ना हो, अगर वो कोविड के बीमारी होंगे और अगर एक दूसरे से वो स्पर्श कर लिए या मशीन को या किसी चीज को, आपने अभी चादर तौलिया या इस प्रकार की सुविधा कोच में नहीं दे रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ये अच्छी बात है। ये सुविधा आपने प्रदान किया है और मुझे खुशी हुई कि एबीएम के द्वारा आपने जहां चार प्रकार की मुख्य सुविधा अभी उपलब्ध करा रहे हैं, सैनिटाइजर, आपने मास्क और बेडशीट, फिर देखते हैं पीलो का भी आपने व्यवस्था किया है, डिस्पोजेबल ब्लैंकेट का व्यवस्था किया है, साथ साथ शू कवर, ऐसे कई चीजों का, सैनिटाइजर, ग्लोव्स, हेड कैप, ये सारी व्यवस्था आपने एवीएम मशीन के द्वारा किया है ऑटोमेटिक। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने, ये कोविड के कालखंड में अगर कोविड हमारे लिए अभिशाप रहा तो कुछ वरदान भी हुआ है। कोविड के कालखंड में देखा हमने कि किस प्रकार से पर्यावरण को भी हमने कैसे संतुलित किया, यहां तक कि जंगलों से हाथी चंडीगढ़ के सड़क पर भी आ गए थे, गंगा और यमुना का पानी भी शुद्ध हो गया था। तो पर्यावरण और प्रकृति को भी हमने हंसते हुए इस कोविड के कालखंड में देखा है, और इसलिए प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए, पर्यावरण पर संकट नहीं हो, नहीं तो इस प्रकार के आफत आते रहते हैं। और कोविड जैसा महामारी इस बात का संकेत करता है कि हम स्वच्छता को अपनाएं, हम अपने जीवन के अंदर जो नियम कानून है वो नियम कानून केवल लॉ के किताब में नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अनुशासन है, हम अनुशासन में रहें, हम धैर्य से रहें, हम शांति बना के रखें, हम और को भी सुखी बनाएं, स्वयं भी सुखी रहें, औरों को भी सुखी बनाएं। तो इस कोविड के कालखंड में बहुत सारे इनोवेटिव आ गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे पास तो सैकड़ों प्रतिदिन इस प्रकार के इनोवेटिव आइडिया से हमारे नौजवान, कई इंजीनियरिंग कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के ऐसे ऐसे नौजवान कई प्रकार की चीजों को आविष्कार कर रहे हैं। मैं तो दाद देता हूं, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों जब कोविड प्रचार प्रसार हो गया देश में, तो हमारे यहां आपको आश्चर्य होगा चीन से ये बीमारी फैली थी और चीन से ही सामग्री लाना पड़ता था, पीपी किट्स, ये मास्क, ये वहां की कंपनी वहां से देता था, विदेशों से और अन्य देशों से हम ला रहे थे। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वहां से लाना मुश्किल हो रहा था और पूरे देश में बीमारी धीरे धीरे फैल रही थी, हम लोग चिंतित थे। मुझे याद है इसी कमरे में बैठ करके 2 बजे रात तक हम लोगों ने तय किया कि चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री जी से निर्देश लिया और प्रधानमंत्री जी के विजन को जो उन्होंने कहा कि अब उठ खड़ा हो जाओ, और पहली बार टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा 6 लोगों को हम लोगों ने खड़ा किया, 6 इस प्रकार की कंपनियां जो कपड़े बनाते थे, और इसी बगल के कमरे में हॉल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और हम लोगों ने तय किया कि हम पीपी, भारत के ही पीपी को हम प्राश्रय देंगे। और आपको आश्चर्य होगा, जहां पहले 100 पीपी भी नहीं बनाने का साधन था, आज देश में आपको दिन
10 लाख पीपी भारत में तय हो रहा है, 1,000 से भी ज्यादा उद्योग पीपी किट्स बनाने के खड़े हो गए भारत में। ये मामूली बात नहीं है, ये सोच भी नहीं सकता था लोग, ये कल्पना इधर था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उठ खड़ा हो जाओ, अब देशवासियों को खड़ा होने सकता है, और एक आह्वान पर यहाँ के वस्तु टेक्सटाइल के प्रयास से और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी जोर तोर जो भी कसर था उसको हम लोगों ने पूरा उनको उत्साह बढ़ाया, और आपने देखा कि आज पीपी के मास्क देश में तैयार हो रहे हैं। आज वेंटिलेटर की बात होती है, वेंटिलेटर हमारे बहुत सारे यंग युवा नौजवान जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हो, उन सब लोगों ने अपना भी वेंटिलेटर तैयार कर लिया, विदेशों से वेंटिलेटर आते थे उसके पार्ट थे, लेकिन आज खुशी है कि देश के अंदर आज वेंटिलेटर हम पूरे देश में स्वदेशी वेंटिलेटर 12,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हम विभिन्न राज्यों को भेजने में सक्षम हो पाए, 30,000 वेंटिलेटर्स हमारे बन रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य। और वेंटिलेटर सो पीपी किट सो हम सिलेंडर्स में बनाना शुरू किया, और उतना ही नहीं आपने देखा कि हमने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अभी 2 दिन पहले 2 ही दिन पहले ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन वो सिंगापुर के कंपनी ने भारत को 20,000 मशीन देने का काम किया है, करोड़ों से ज्यादा की लागत का, ये सेवा का भाव है। और उसमें से हमने 2,500 बिहार के लिए क्रमांकित कर दिया है, पहला फेज जो 500 मशीन आजकल में बिहार जा रहा है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, बहुत अत्याधुनिक है, लगभग 50-55 हजार की एक मशीन है, वो सुदूर गांव में जहां वेंटिलेटर या जहां ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पाएगा उन जगहों पर, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हम उसको वहां उपलब्ध करा पाएंगे। तो केंद्र सरकार लगातार के माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगा के ही वो बाजार में जाए। आज बिहार में संख्या बढ़ रही है, अभी मैं कुछ देर पहले लगातार सुबह 10 बजे से ही बिहार के ऊपर चिंतन कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अपने बिहार के प्रांत के तमाम वहाँ के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, तमाम मंत्रीगण, वहाँ के हमारे पार्टी संगठन के पदाधिकारीगण, सब लोगों से प्रातःकाल से ही मैं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, जानकारी कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले बक्सर, कैमूर और रोहतास के जिला प्रशासन के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन, एसपी और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हमने वहां का भी समीक्षा किया, उन्हें क्या चाहिए, पहले भी मैंने किया था, आज भी मैंने वो बैठक करके और फिर आपके सामने में कि यहाँ इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं यहाँ आया। भाइयों आप सबको खुशी होगा कि जहां हम लोगों ने इस पूरे कोविड के कालखंड में धैर्य और संयम का पूरी तरह से ध्यान रखा है, हम आज भी चाहेंगे देशवासियों के आपके माध्यम से इस कार्यक्रम के बक्सर वासियों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा, मैं भले दूर हूं लेकिन आपके हृदय में, आपके दिल में, मैं दूर नहीं हूं आपके दिल में बसा हुआ हूं। कई बार लोग टेलीफोन से कहते हैं कि आप एक बार आइए ना, मैंने कहा अभी एक बार नहीं, मैं तो अनेक बार वहां आते रहा हूं, वो तो हमारा कर्म भूमि है। अभी चिंता इस बात की करो कि आप भी अपने घर से मत निकलो, आप भी अपने घर में सुरक्षित रहो, आवश्यक हो तब आप दफ्तर काम के लिए जाइए, लॉकडाउन का सिलसिला जारी है वहां पर बिहार में, भले देश भर में अनलॉक है, कई राज्यों में आज लॉकडाउन है, कई राज्यों में तेजी से बीमारी बढ़ रही है, और बिहार में मेरी आशंका है आज हम 10,500 मतलब एक्टिव मरीज वहां पर हो गए और ये संख्या बढ़ सकती है, अगले 2-3 महीना ये संख्या
और भी डबल होने की स्थिति में आपने देखा कि 23 दिन में जहां 5 महीने में भारत में आज 12.5 लाख बीमारी कोविड के हुए, वही केवल 23 दिनों में आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 12.5 लाख में 5 लाख 6 महीने में हुआ, 5-6 महीने, और 23 दिनों में 7.5 लाख हो गया। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात है धैर्य रखना, डरना नहीं है, हमें कोविड से घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको सुरक्षित रहने के लिए हमें कुछ संसाधन जो है, कुछ इस प्रकार के संयम नियम हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा। और इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी भी आग्रह कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में, जिन गांव में अभी कोविड का प्रकोप नहीं है वहां कोविड ना पहुंच जाए। मजदूर भाई हमारे देश भर से आए थे, उन्होंने संयम बरता और बहुत कम लोग उस समय शिकार हो पाए बिहार में, जबकि रेल के द्वारा लगभग, जहां तक मुझे स्मरण है, कि आपने लगभग 16 लाख लोग, 16 लाख श्रमिक उस समय रेल के माध्यम से गए इस कोविड के कालखंड में, और रेल में संयम बरते हुए गए और रेल के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने भी उसका ख्याल रखा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, इस वैश्विक कालखंड में मैं एक थोड़ा सा छोटा आंकड़ा सामने रख देता हूं कि कितनी भयावह स्थिति हो सकती है अगर हमने संयम नहीं बरता, अगर हम अनुशासन में नहीं रहे, अगर हम धैर्य में नहीं रहे, अगर मास्क लगा करके या गमछे या तौलिया ओढ़ करके अगर हम बाजार में या 2 गज की दूरी नहीं बनाया तो एक भयानक स्थिति हो सकती है। बार बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसको अपने तमाम घर के लोगों को, बाहर गांव के लोगों को, जैसा प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, इसलिए अपने जान की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और अपने देश की सुरक्षा, ये हमारे लिए प्राथमिक है। और स्वच्छता, आज अगर 2014 में स्वच्छता अभियान का जागरण अगर देश में इतनी बड़ी संख्या में नहीं होता तो शायद आज कोविड के कालखंड में जिस प्रकार से हम लोगों ने स्वच्छता का ध्यान गांव-गांव में रखा, सैनिटाइजर के द्वारा, साबुन के द्वारा हाथ को कई बार साफ करना, पानी से हाथ को अच्छी तरह धोना, ये सारी चीजें आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये ठीक है कि देश के अंदर कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आज भी दुनिया में भारत सबसे अच्छा है। आज बहुत सारे जो अमेरिका से तबाही मची हुई है, भारत में भी हम जंग लड़ रहे हैं और भारत अच्छा कर रहा, भारत का प्रदर्शन आज भी अच्छा है। और आपको जानकर ये खुशी होगा कि जैसा कि मैंने पहले कहा, जहां एक लैब नहीं था हमारे पास में, एक लैब था जनवरी महीने में, घबरा रहे थे, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR के द्वारा 1300 टेस्टिंग लैब हमने देश भर में खोलने का काम किया, 1300, और रोज बढ़ रहे हैं। ये सुखद है कि इस 5 महीने के अवधि में हमने राज्य सरकारों से आग्रह करके, और आपकी जानकारी के लिए कि लगभग जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, ये हमने खड़ा किया और सभी राज्यों के सहयोग से लगभग 6 लाख आइसोलेशन बेड्स हमने तैयार किया है, हमने 34,000 ICU तैयार किया है, हमने आज ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो है वो लगभग 2 लाख से भी ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमने देश भर में खड़ा किया है। उतना ही नहीं, जहां आइसोलेशन सेंटर्स हमारे टोटल आइसोलेशन बेड्स है उसके अलावा 10 लाख आइसोलेशन बेड्स भी आज देश में खड़ा हो गया है। और उतना ही नहीं, हम रेल मंत्रालय को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं
आज रेल के डब्बे में दिल्ली हो या कर्नाटक हो, देश के कई कोने में, बिहार में भी दानापुर मंडल ने जिस प्रकार से कोचेज के अंदर कल हमें जानकारी दे रहे थे दुष्यंत साहब, और वो कह रहे थे कि सर हम लोगों ने पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था किया है, और आधार राज जी ये कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने पटना स्टेशन हो या कई स्टेशनों पर आपने वहाँ कोचेज तैयार कर लिया है, और आज देश भर में 4,000 से भी ज्यादा रेलवे कोचेज में हमने 5 लाख से भी ज्यादा आइसोलेशन बेड तैयार कर लिया। ये हिंदुस्तान के लिए इतिहास है, ये पूरे विश्व के लिए इतिहास है। ये कोविड के कालखंड में अगर हमें अभिशाप हुआ तो हमने इस अभिशाप को अवसर में भी बदलने का काम किया है। ये काम किया है, बखूबी किया है। इसलिए रेल का, रेल मंत्रालय का जितना भी हम साधुवाद दे सकते हैं, रेल मंत्री को भी मैं बार बार, उम्र में छोटे हैं उनको आशीर्वाद देते रहता हूं, बधाई देता हूं कि भाई आपने इतना बड़ा काम पूरे देश भर में कर रहे हो, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से हो रहा, तो ये खुशी की बात है। आपकी जानकारी के लिए कि देश भर में हमने अभी तक जो टेस्टिंग है, जांच 1300 लैब में लगभग 1 करोड़ और 52,066 टेस्ट कल तक किए, और उसी प्रकार से हमारी जो कैपेसिटी है आज लैब की, जो कैपेसिटी है जांच की, 3,75,000 प्रतिदिन हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पिछले दिनों 24 घंटे में 3,52,801 टेस्टिंग पूरे देश में हुआ है। हम इसको 5 लाख से भी ज्यादा कैपेसिटी, हम चाहेंगे कि ये 5 लाख से ज्यादा भी बढ़े, अगले कुछ दिनों में हम 5 लाख भी कर लेंगे। और बिहार के अंदर आज जहां तक वहां एक्टिव केसेस 10,500 से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, रिकवरी रेट बिहार का अच्छा है, 64-66% रिकवरी रेट बिहार का है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन अभी बीमारी कुछ राज्यों में जो तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें बिहार भी काफी प्राथमिकता पूर्वक बिहार भी आ रहा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र है, बंगाल है, भुवनेश्वर उड़ीसा है, ऐसे कई राज्यों में ये दूसरे तीसरे फेज में बढ़ रही है बीमारी। तो बिहार के अंदर हमारा एवरेज ग्रोथ जो है 5% है, और जो फैटलिटी रेट है, मृत्यु दर, वो बहुत कम है, 0.67% है। जहां दुनिया में 6-7% अमेरिका जैसे देश में आज फैटलिटी रेट है, भारत में वो रेट बहुत ही कम है, और हमारा भारत के अंदर 2.46% है, आज घट करके 2.30 हो गया है। तो भारत के अंदर भी हमारा फैटलिटी रेट बहुत कम है, और फिर भी जो भी मृत्यु हो रहा है हमारे लिए दुखदाई है। उसमें को मॉर्बिड पेशेंट भी है, कोई किडनी या हार्ट, लंग्स, डायबिटिक ऐसी बीमारियों के भी जो शिकार हुए और कोविड हो गया है, तो ऐसे लोगों पर भी, ऐसे लोगों की भी मृत्यु उस कारण से हुई है। फिर भी हमारे लिए वो चिंताजनक है, और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे देश में 63.5% आज रिकवरी हुआ है, आज का डाटा जो है, ये रिकवरी रेट हमारा। लेकिन अब मैंने पहले कहा कि बिहार में अभी टेस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा, उसमें रेल का भी, जगह जगह रेल के अस्पताल में भी टेस्टिंग का काम शुरू हुआ है, आप लोग भी इसका ध्यान दे रहे होंगे। रेल मंडल दानापुर भी इसका, हमारे पास में एंटीजन टेस्ट भी आ गया है, पहले एक कंपनी था, अब 4 कंपनी हम लोगों ने आईसीएमआर से लगभग अप्रूव्ड हो चुका है एंटीजन टेस्ट। ये ठीक है कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं है, उसमें पॉजिटिव होता है और जो निगेटिव होता है उसको फिर से आरटीपीसीआर में टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन हम उसके लिए पॉजिटिव टेस्ट को हम अलग अलग रखें, ताकि जो पॉजिटिव कोविड हो गया तो उसको अलग से उसकी व्यवस्था करना। और आज के दिन में 80% से ज्यादा लोग, 85% आप कह सकते हैं कि 80-85% लोग
बिना लक्षण का, ये सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उनको पता भी नहीं कोविड आता है चला जाता है, या ऐसे मरीज जो पॉजिटिव होते हैं 80 से 85%, उनको किसी प्रकार का थोड़ा बहुत बुखार कभी कभी आ गया, इस प्रकार का लक्षण आता है। और 10% ऐसे मरीज हैं जिनको बीच बीच में कुछ तेज बुखार हो गया, बुखार छूट नहीं रहा है, सांस के फूल रहा है, या गले में दर्द हो रहा है, या इस प्रकार की चीजों से लगातार देह हाथ में दर्द हो रहा है, ये पीड़ा ऐसे 8 से 10% लोगों को है। और 5% लोग ही ऐसे हैं जिनको अस्पताल के अंदर विशेष रूप से सघन चिकित्सा में जाना पड़ रहा है। आपको जानकर के जानना चाहिए कि आज आईसीयू में देश भर में केवल 1.83% कोविड मरीज है, जितने मरीज हैं यानी 12 लाख 13 लाख मरीज आज हो गया, 12,87,000 सुबह तक था, अभी 13 लाख भी पार कर गया है। तो उसमें आईसीयू के अंदर आज 1.83% लोग ही आईसीयू में, और 0.30% लोग वेंटिलेटर पर है, बहुत कम संख्या है, यानी कि आधे लोग, एक से भी कम, 0.30% लोग वेंटिलेटर पर है, और ऑक्सीजन पर 2.73% लोग ऑक्सीजन पर है। ये आज सुबह का पूरे देश भर का जो मेरे कक्ष में डैशबोर्ड पर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कुल मिलाकर 5% से भी कम लोग क्रिटिकल स्थिति में, और जो वेंटिलेटर पर है उसके अलावा वेंटिलेटर से भी बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। आज प्लाज्मा का भी डोनर्स भी काफी तैयार हो गया है, जो विदेशों में प्लाज्मा डोनेट करके लोगों को जान बचाई, हमारे यहाँ भी पटना एम्स में भी और देश में कई स्थानों पर प्लाज्मा को भी देने की सिलसिला जारी है, और वो अभियान कई लोगों ने, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जो कोविड के मरीज थे दीपक, उसने दो दो बार डोनेशन दिया प्लाज्मा का, एक प्लाज्मा के डोनेशन के द्वारा 2 लोगों की जान बच सकती है। जो वेंटिलेटर पर है ऐसे बहुत बुरी स्थिति में मरीज है उसको हम प्लाज्मा डोनेट करके बचाने में सक्षम हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कई हमारा हम लोग लगे हुए हैं, पटना एम्स में भी टीका की तैयारी चल रही है, देश भर में 12 संस्थान में टीका की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री जी के पहल पर 3 महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐसे वैज्ञानिकों की बैठक करके कहा कि भारत में ये टीका बने, और अब मुझे गर्व है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयास से हमारे ऐसे उद्योगपति जो वैक्सीन बनाने के काम में है, आप जानते हैं कि 60% से भी ज्यादा दवाई भारत में बनता है और यह वैक्सीन तैयार हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि दुनिया में भारत पहला स्थान होगा जो इस प्रकार के टीका को बना करके हम जनता को कोविड से बचाने में संभव हो पाएंगे, उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है। हमें विश्वास है कि अगले 2-3-4 महीने में हम वैक्सीन भी तैयार कर लेंगे। पूरा दिन रात हमारे साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, हम प्रतिदिन उनसे खबर ले रहे हैं, और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि मुझे भी कई कार्यक्रम में जाना है, आप भी अपने समय पर जगह जगह जाएंगे, मैं सभी आए हुए बक्सर के लोगों को, जो लोग भी आज इस शुभारंभ के अवसर पर, लोकार्पण के इस अवसर पर, जो लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे तारापुर रेल मंडल के साथ जुड़े हैं, मैं उन सब लोगों को अपने हृदय से बधाई देते हुए, मैंने बहुत कुछ कहा भावना में भी, मुझे आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने मुझे अपने कर्म भूमि से दर्शन करा दिया, आपको आधा पुण्य आपको मिल रहा है, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे स्टेशन पर खड़ा कर दिया कि अब कल हो के कोई मरीज ट्रेन से उतरेगा या कोई भी आम आदमी, तो उसको मतलब कहीं दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, वो तुरंत, और आजकल के युवा तो ज्यादा है कि वो, आपने ठीक ही कहा कि पेटीएम हो या जीपे हो या रुपए हो या भीम हो या यूपीआई हो, इन सब का प्रयोग करके लोग तुरंत सामग्री प्राप्त कर लेंगे। 50 रुपये का भी किट्स है और 200 रुपये का भी किट्स है। 50 रुपये का किट्स के बारे में आपने बताया कि उसमें छोटा
सैनिटाइजर का भी है, मास्क भी है, इस प्रकार से बेडशीट भी है ऐसे, और फिर 200 रुपए वाले में आपने डिस्पोजेबल ब्लैंकेट भी बताया। मैं एक बात आग्रह करूंगा, आपके ध्यान में जरूर होगा, कोई मैं बता रहा हूँ इसका कारण नहीं, आपके संज्ञान में होगा, और मैं स्टेशन मैनेजर से भी और जगह जगह आग्रह करूंगा कि जो चीज आप दे रहे हैं उसका जो डिस्पोजेबल का जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसको कहाँ फेंकना, कहाँ रखना, और फिर उसको बंद करके उचित स्थान पर भेजना, उसको खेत में खलियान में, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज वो कोई कोविड का मरीज होगा उसने कंबल ओढ़ा होगा, उसने चादर पर या तकिए पर, और उसके कारण अगर वो कोविड का कीटाणु अगर वहां फैला होगा, और उसको अगर हम स्टेशन पर यों ही छोड़ देंगे, इधर उधर फेंक देंगे, बड़ी दुर्घटना घट सकती है, बहुत लोग उसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए मेरा एक आग्रह है कि जहां आज इतनी बड़ी सुविधा रेल मंडल दानापुर ने बक्सर वासियों को एवीएम मशीन दिया है, बैंक एटीएम देता है और रेल एवीएम दे रहा है, ये बड़ी बात है। तो मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा रेल के कर्मचारियों से भी और पदाधिकारी इसका सुनिश्चित ध्यान दिलाएंगे, हर स्टेशन पर जहां जहां आपने इसकी व्यवस्था किया है कि डिस्पोजेबल की व्यवस्था अच्छी हो, अगर वहां इंसिनरेटर उपलब्ध हो पाए तो ठीक है, या वहां के निकट के अस्पतालों में जो व्यवस्था होती है कोविड पेशेंट के जो, या पीपी किट्स वगैरह जहां रखे जाते हैं उसको सावधानी पूर्वक ग्लोव पहन करके ही उसको बंद डब्बे में ही वहां पर पहुंचाने का काम करें, नहीं तो लेनी का देनी ना पड़ जाए, इसका भी ख्याल रखेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आपको पुनः साधुवाद देते हुए, बहुत देर से आप के साथ बात कर रहा हूं और कई मीटिंग्स भी आगे हैं, आप सबको भी व्यस्तता होगी, मैं बहुत देर तक आपसे जुड़ा, मेरी भावना थी कर्मभूमि को देख करके मैं कुछ अपने भाइयों को कह सकूं, और मैं देख रहा हूं सामने रेल की पटरी भी बक्सर की दिखाई पड़ रही है, रेल के कमरे भी दिखाई पड़ रहे हैं, मैं भावना से जुड़ा हुआ हूं, मैं भले आपके साथ हूं, बक्सर के मेरे भाइयों बहनों हमारे सभी लोग, मैं हर तरह से मैं आपकी सुरक्षा के लिए और देश की सेवा में कटिबद्ध हूं, आपकी सेवा में कटिबद्ध हूं, आप कभी भी मुझसे मुझको अलग ना समझें, आपके हृदय में बसा हुआ हूं, आपके दिल में हूं, हर तरह की व्यवस्था यहां से कर रहा हूं, किसी बात की कोई कभी किसी भी राज्य सरकार को ना हो इसकी चिंता जहां प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग कर रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोविड को भी हम समाप्त करेंगे, इस जंग को जीतेंगे, कोविड हारेगा देश जीतेगा, इसका संकल्प हम सब लोगों को लेकर के सावधानी बरतना, संयम से रहना, अनुशासित पूर्वक रहना, स्वच्छता का ध्यान रखना, मास्क पहन करके ही बाहर जाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः बधाई देते हुए इस कार्यक्रम का अपने वाणी को विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हृदय से नमस्कार। जय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जो बात आपने पॉइंट आउट की सर जो है वो सबसे पहली बात की जो हमारे डीआरएल साहब ने पॉइंट आउट किया जब हम लोगों ने इस फैसिलिटी को शुरू किया, और हम लोगों ने जो है सर जो डिस्पोजेबल लिनन जो बनाया पैकेट जो है उसका, वो इस ढंग से बनाया कि यूज करने के बाद उसी प्लास्टिक बैग में उसको डाला भी जा सके, उतने माइक्रोन्स का मोटा रखा गया, और उसके ऊपर जो है एक स्टैट्यूटरी वार्निंग जो होती है सर वो भी उस पर लगाया गया, और जो भी परचेज कर रहे हैं कियोस्क से उनको ये बताया भी जा रहा है, और उसको लिखा हुआ भी है कि प्रॉपरली उसी बैग में डाल करके ही डिस्पोज ऑफ करेंगे, जो हमारे जो डस्टबिन है जहां पे प्लास्टिक बैग्स के साथ लगे हुए हैं स्टेशन के उन्हीं एरियाज में डिस्पोज ऑफ करेंगे, कोचेज में या कहीं और मीटर नहीं करेंगे। इसके अलावा सर जो हमारे कोचेज में जो हमारे अटेंडेंट है उन सबको भी जो है सर ग्लव्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया है कि अगर कोई पैसेंजर छोड़ के जाता है या सीट के नीचे कोई फेंक के चला जाता है तो उसको ग्लव्स पहन करके ही हैंडल करें, और अलग अलग गार्बेज बैग में जमा करके और स्टेशन पे प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम है उसमें ये देंगे जो है, यहाँ वहां लिटर नहीं करेंगे सर। ये आपने बिल्कुल सही बात बोला सर, हमारे बिहारम साहब भी जो है बहुत ही अनुभवी आदमी है, इसका समुचित व्यवस्था क्या है सर 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 मौजूद भी
मैंने स्टेशन प्रबंधक को ये ख्याल रखना पड़ेगा, सर जल्दी बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल से उतर के लिया और उसको करके फेंक ना दे इधर उधर, इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। इसलिए स्टेशन मैनेजर विशेष रूप से सर स्टेशन कर्मचारी इसका ध्यान अवश्य रखेंगे, जो आपने पहले से ही जारी कर दिया है और आपने प्रोटोकॉल भी बता दिया है। ये खुशी सर की बात है कि आपने सारी सावधानी बरता है और उसके बावजूद भी कई बार व्यस्तता में कई लोग भूल जाते हैं, फेंक देते हैं, तो इसका ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा। सर, अब सर आज के इस वीडियो लिंक को समाप्त करने के पहले लास्ट में मैं एक बार ग्यारह साहब से अनुरोध करूंगा कि एक बार सर धन्यवाद ज्ञापन। सर धन्यवाद सर, और आज आपने ये जो बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे साथ जो वीडियो लिंक के साथ शेयर करके आपने जो बक्सर की यादें हैं और जो बक्सर स्टेशन पे ये जो अनावरण का कार्य किया है सर, उसके लिए दानापुर मंडल सर आपका सदैव आभारी रहेगा सर। और निश्चित रूप से सर आपके जो दिशा निर्देश हैं, खास करके इस कोविड महामारी के दरमियान में जो 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 प्रोटोकॉल्स जो बनाए गए हैं, दिशा निर्देश जो बनाए गए हैं, उसका सर हम लोग समुचित पालन करेंगे। और इस इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने पीपी किट बनाने की बात कही थी सर, ये मैं हर्ष के साथ बताना चाहूंगा कि दानापुर मंडल ने अपने अपने संसाधन से 10,000 के आसपास पीपी किट बना करके हमने अपने स्टाफ स्टाफ को, कर्मियों को और अन्य लोगों को देने का काम किया है, और जो उसका यूज करके आज इस कोविड महामारी के साथ साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करके काम कर रहे हैं सर। और साथ ही साथ हम दानापुर मंडल में जो रेल अस्पताल है सर, वो हमने अपने रेल कर्मियों के लिए जो कोविड से संक्रमित हैं सर, उनका भी इलाज हम वहां पे करवा रहे हैं सर। पूरी किट की व्यवस्था है सर, और पूरी जो जाँच है जो आपने कहा है, वो जांच भी हम अपने मंडल में जो जो अप्रूव्ड लैब है उससे हम करवा करके उनकी जांच हम सुनिश्चित करा करके उनका उचित उपचार करवा रहे हैं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जो आपने दिशा निर्देश और जो आपने गाइडेंस दिया सर, हम निश्चित रूप से उसको पालन करेंगे सर। और जो जो इस महामारी में और संकट के दौर जिससे जो आज हम गुजर रहे हैं सर, निश्चित रूप से इसको हम पूरा करने में और इसके ऊपर में विजय पाने में हम सक्षम रहेंगे सर। धन्यवाद सर, एक दफा पुनः आपका धन्यवाद सर। और नमस्कार बहुत सबको बहुत बहुत आभार भी करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, सर। नए अन्वेषण के साथ अगले बार मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।